हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड ट्वेल्व सीबीएसई की इंग्लिश बुक फ्लमिंगो का एट चैप्टर गोइंग प्लेसेस और उसके ऑथर हैं ए आर बाटन इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूं कि इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है देखिए जो स्टोरी है गोइंग प्लेसेस वो डिस्क्राइब करती है जो ड्रीम्स होती हैं यूथ की यंग एज पे जो हमारे सपने होते हैं और कितना दर्द होता है जब वो प्रोमिस जो है वो अनफिल्ड रह जाए सपने जब टूट जाते हैं तो ये डील करता है कम्प्लेक्सिटी जो ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर हमें देखने को मिलती है अलोंग uh, विद जो एडोलसेंट एज में टीन एज में फैंटेसाइज करते हैं हम लोग सब लोग के एक हीरो होते हैं तो हम लोग हीरो वर्शिप करते हैं उसका एक सेंट्रल मैसेज देता है अब बात करते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल तो ये जो टाइटल है लेसन का गोइंग प्लेसेस ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल इन वंस करियर अपने करियर में सक्सेसफुल होना इस लेसन में हम पढ़ेंगे एक लड़की के बारे में सोफी जिसका नाम है और उसकी विश है उसकी फैंटेसी है कि जो ड्रेजरी है जो सिचुएशन है कि वो एक लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करती है वो वहां से निकल के अलग-अलग जगह पे विजिट करे शी वांट्स टू विजिट ऑल दोस प्लेसेस जिसके बारे में वो फैंटेसाइज करती है तो इट्स अ गुड थिंग कि आप ड्रीम करते हो हाउएवर जो ड्रीम्स हैं वो रियलिस्टिक भी होनी चाहिए राइट right? तो सिर्फ फैंटेसाइज करना या डे ड्रीमिंग करना बेसिकली हमें हार्ड ब्रेक्स देता है हमारा दिल तोड़ता है अनलेस आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है बहुत ज़्यादा आप डिटर्मिंड हैं कि मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूंगा और डिसअपॉइंट होने के बाद भी फिर से उठ जाऊँगा तो ये थी टाइटल की जस्टिफिकेशन और जो सेंट्रल आइडिया था अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की थीम देखिए इसमें डिस्कस किया कि एज में किस तरीके से हम आइडलाइज करते हैं हीरो के बारे में वर्शिप करते हैं फैंटेसाइज करते हैं अपने हीरो के बारे में जो ज्यादातर रियलिस्टिक नहीं लगता ऐसे लगता है कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे पर डेफिनेटली वो एक एस्केप देता है आपको जो स्ट्रेस होता है जो टर्मोइल होता है जो हार्श रियालिटीज है जो सच है लाइफ के उससे आपको दूर लेके जाता है लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी बन सकता है अगर वो पूरा ना हो सके तो इसीलिए जब आप जी रहे हो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में आपको गोल सेट करने चाहिए क्योंकि रियलिटी और फैंटेसी में बहुत ज्यादा फर्क होता है इसके अंदर अब हम समरी डिस्कस करने वाले हैं बट आगे जाने से पहले फिर से मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ की इस स्टोरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सोफी जो मेन कैरेक्टर है एक स्कूल गोइंग टीनेजर उसके बाद उसकी फ्रेंड है जिसका नाम है जैनसी जो उसकी क्लासमेट है तीसरा कैरेक्टर है जियोफ जो सोफी के बड़े भाई हैं चौथे कैरेक्टर है ड्रैक जो कि छोटे भाई हैं सोफी के डेनी कैसी जो कि एक यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है और टॉम फिने जो है वो एक ग्रेट फुटबॉल प्लेयर है यूनाइटेड जो है वो नाम है फुटबॉल टीम का और उसके बाद बात की गई है मदर और फादर की जो कि सोफी के हैं चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की समरी को तो जो स्टोरी है वो शुरू होती है कॉन्वर्सेशन के साथ बातचीत के साथ जो दो टीनेज गर्ल्स के बीच में हो रही थी एक का नाम है सोफी और दूसरे का नाम है जेंसी जो सोफी है वो अपनी ही दुनिया में रहती है इमेजिनेशन की जबकि जो जैनसी है वो बिल्कुल ऑपोजिट है वो रियलिटी में जीना ज्यादा विश्वास करती है उसके अंदर तो सोफी इमेजिन करती है कि उसका खुद का एक बुटीक होगा बुटीक होता है एक छोटी सी शॉप जहाँ पर आप फैशनेबल कपड़े बेच सकते हो तो सोफी इमेजिन करती है कि एक दिन मेरा अपना बुटीक होगा एक ऐसी जगह होगी जहां पर मैं फैशनेबल कपड़े जो है वो बेचूंगी तो जैनसी उसे रियलाइज कराती है कि इस सबको करने में तुम्हें पैसे की जरूरत है और वो ये भी बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इतने पैसे इकट्ठे करने में तो इस पे सोफी जो है वो रिप्लाई करती है कि कोई बात नहीं मैं काम करूंगी एक मैनेजर के तौर पे और फिर मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगी और उन पैसों से मैं अपना एक बिटी खोलूंगी तभी वो इंटरप्ट होती है उसको जैंसी इंटरप्ट करती है कि तुम्हें हायर कौन करेगा स्ट्रेट की मैनेजर की पोस्ट पे तुम्हें कौन रखेगा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सीधा ही मैनेजर लग जाओगी तो सोफी अपने प्लान में बदलाव करती है और डिसाइड करती है कि ठीक है कि मैं बनना चाहती हूँ एक फैशन आइकन जैसे मैरी क्वेंट है वो एक फैशन डिजाइनर है और फिर वो बोलती है कि मेरे पास ना बेस्ट बुटीक शॉप होगी जो कभी किसी ने नहीं देखी होगी इस सिटी के अंदर मतलब उसके बहुत ज्यादा फैंटसीज हैं उसके बहुत ज्यादा सपने हैं जो वो सच करना चाहती है कभी वो फैशन आइकन बनना चाहती है कभी वो बुटीक खोलना चाहती है इससे कंपेयर किया जाए तो जो जैनसी है वो एक रियलिस्टिक पर्सन है उसे पता है कि जो रियलिटी है वो ये है कि सिर्फ वो लोग वर्कर्स हैं एक बिस्किट फैक्ट्री के अंदर और जब वो सोफी के थॉट सुनती है तो वो कहीं ना कहीं उदास हो जाती है क्योंकि उसको पता है ये सच नहीं होने वाले तो जब वो चलते चलते सोफी के स्ट्रीट तक पहुंचते हैं तो जैनसी उसको एक्सप्लेन करती है कि देखो रियालिटी जो है लाइफ की वो काफी अलग है वो उसे बताती है कि हमें फैक्ट्री में जहां पर हम काम कर रहे हैं वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते जो हम काम करते हैं और प्लस अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुम जॉब छोड़ना चाहती हो तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए पर ऑन द कॉन्ट्री सोफी जो है वो अपनी ड्रीम्स में गुम है वो बोलती है कि शायद एक दिन मैं एक्ट्रेस बन पाऊ और इतना पैसा कमा पाऊं कि मैं अपने सपने जो हैं वो सच कर पाऊँ वो चाहती है कि वो एक साइड बिजनेस रखे जिसमें वो बुटीक खोले क्योंकि उसे लगता है कि जो एक्ट्रेस है वो फुल टाइम काम तो करते नहीं है तो मैं पार्ट टाइम वहां काम करूंगी साइड बिजनेस मेरा एक बुटीक चलाना होगा तो जब वो घर पहुंचते हैं और सोफी अपने घर में एंटर करती है और डोर को बंद करती है टर्न करती है तो जो जैनसी होती है वो अपने घर की तरफ को चली जाती है बारिश हो रही होती है उस टाइम पे तो सोफी कुछ मर मर करते हुए धीरे धीरे बोलते हुए सेम सेंटेंस को कि पैसे कैसे आएंगे, कैसे आएंगे मैं बिटी खोलूंगी ये करते करते अंदर घुस जाती है अभी भी मतलब वो ये सब कुछ सोच रही होती है तो कोई घर में बैठा उसे टीज करता है कि क्या तूने कभी इतने पैसे कमाए हैं कि तू अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा घर ही खरीद ले मतलब इतने पैसे हैं तेरे पास तो इतनी देर में जो सोफी के फादर हैं वो खाए होते हैं शेफर्ड्स मीट है, की जो डिश होती है जिसके नीचे जो है मैश्ड पटेटो होते हैं तो वो शेफर्ड्स पाई होते हैं उनका फेस जो है काफी अनक्लीन होता है मिट्टी भरी होती है और पसीना आया होता है उसका जो यंगर ब्रदर है जिसका नाम है ड्रैक अपने फादर को बोलता है कि सोफी को लगता है कि जो पैसे हैं वो पेड़ों पे उगते हैं तो उसे लगता है कि वो काफी अनरियलिस्टिक सोच में रहती है तो उसकी मदर इतनी देर में जो बिजी होती है अपना काम करने में वो एक लंबी सांस लेती है सोफी नोटिस करती है कि अभी भी वो किचन में काम कर रही है उनकी मदर ने काम करना मतलब बंद नहीं किया उनकी मदर के जो शोल्डर्स हैं वो स्टूपिंग है मतलब वो ऐसे करके आगे की तरफ को बेंट फॉरवर्ड है और वो काम कर रही है ऐसे आगे झुक के जैसे आप किचन में काम करते हो और उन्होंने अपने आगे वाली साइड पे एक एप्रन टाई किया हुआ है जो बैक पे जाके बंधता है और पूरी स्टीम हुई हुई है किचन पूरा अप है गंदी गंद मतलब वहां पर फैला हुआ है लिटर ऑल अराउंड तो एक छोटा सा रूम जहां से स्टीम निकल रही है स्टोव के अंदर से क्लटर्ड है ब्रीदिंग हो रही है एक मैन बैठा हुआ है अपने बनैन के अंदर लंबे लंबे सांस ले रहा है टेबल पे बैठ के डिशेज जो है पाइल डाप पड़ी है वहां पर कॉर्नर पे तो ये सब देख के सोफी को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है और वो अपने बड़े भाई की तरफ चली जाती है मतलब जो बड़ा भाई है जी उसके पास चली जाती है तो जो जीओफ़ होते हैं वो नेक्स्ट रूम में ही बैठे होते हैं और वो अपने नीज के बल जो है घुटनों के बल बैठे होते हैं कारपेट के ऊपर और वो रिपेयर कर रहे होते हैं मोटर बाइक का कोई हिस्सा एक्चुअली वो ना एक ट्रेनी मैकेनिक थे जिन्होंने स्कूल तीन साल पहले छोड़ दिया था और वो काम की सर्च में खोज में काफी लॉन्ग डिस्टेंस जाते थे ट्रेवल करते थे तो सोफी को ना काफी बार डाउट होता था कि उसका भाई जो ज्यादा बोलता नहीं है उसकी लाइफ कैसी होगी मतलब उसके मुंह से वर्ड्स निकलना मतलब आप ये कह सकते हैं कि वर्ड्स हैड बी आउट ऑफ़ हिम लाइक स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड वो हमेशा जेलस फील होती थी कि अरे यार मतलब इसकी लाइफ कितनी मस्त होगी अलग अलग जगह विजिट करता है उसे ये लगता था जब वो अलग अलग जगह जाता है सिटी की या मे बी कंट्री साइड की वो कितना अमेजिंग होगा कितना कैप्टिवेटिंग होगा तो वो हमेशा ही अपने थॉट में गुम रहती थी इस चीज को लेके कि मैं तो वहां कभी पहुंच ही नहीं सकता तो वो अपने भाई की पर्सनल लाइफ को इमेजिन करती है उसे लगता है कि उसका भाई जो है वो कभी भी ओपन अप नहीं होता अपनी लाइफ को लेके मे बी वो जानता है कुछ ऐसे नॉन नेटिव लोगों को नॉन नेटिव का मतलब जो फॉरेनर है उन लोगों को जानता है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दो उसे पता था कि उसके भाई के बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है पर फिर भी उसे ये पॉसिबल लगता था कि मे भी उसके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स हो जो उसने बनाए हो और कई बार उसने कोशिश की कि वो अपने भाई के थोड़ा बातचीत करके क्लोज जाए ताकि वो उसे भी बाहर लेके जा सके पर उसे पता था कि उसके जो फादर हैं वो कभी अलाउ नहीं करेंगे उसको ऐसे जाने के लिए इवन उसका भाई उसे ये लगता था कि वो अभी बाहर जाने के लिए इतनी बड़ी नहीं हुई है तो वो थोड़ी ना इम्पेश वो बोलती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ और सबको बिलीव करवाती है और खुद भी बिलीव करती है कि बाहर जाकर भी मैं उतनी ही कंफर्टेबल होंगी जितनी मैं अपनी सिटी में हूँ तो वो इमेजिन करती है राइड कर रही है वो जियोफ के पीछे बैठी हुई है उसके भाई ने पहना हुआ एक शाइनी ब्लैक जैकेट और उसने पहनी हुई एक ब्यूटिफुल सी येलो ड्रेस विद अ स्टोल स्टोल का मतलब आप कह सकते हैं एक रैप जो होता है जो फ्लाई कर रहा है पीछे क्योंकि वो दोनों राइड कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे वो ड्रीम करती है कि लोग खड़े हुए हैं साइड पे क्लैप कर रहे हैं वेलकम कर रहे हैं जैसे वो और उसका भाई राइड कर रहे हैं तो ये सब कुछ वो इमेजिन करती है तो उसका जो भाई है वो काफी एनॉयड लगता है वो फ्राउन करता है फ्राउनिंग का मतलब ऐसे आप जब वट डाल लेते हो तो उसका भाई जो है वो फ्राउन करता है क्योंकि वो जो ऑयली पार्ट होता है ना मोटरसाइकिल का वो उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो उसको फिक्स करने की कोशिश करता है बट काफी अटेम्प देने के बाद भी कुछ हो नहीं पाता तो सोफी इतनी देर में कहती है कि मेरे को ना डेनी केसी मिले थे जो फेमस फुटबॉल प्लेयर है तो उसका भाई एकदम से उसकी तरफ को देखता है और उससे पूछता है कि अच्छा कहा मिला था तुम्हें तो वो कहती है कि मैं ना एक्चुअली गैलरी में थी गैलरी मतलब एक आर्केड में थी जहां पर मैंने उसको देखा तो उसका भाई उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और उसको बोलता है कि क्या तूने ये बात पापा को बताइए तो वो कहती है कि ये कैसा क्वेश्चन है मतलब मैं तो अपना सीक्रेट तेरे साथ शेयर कर रही हूँ ना पापा कहाँ से आ रहे हैं तो फिर वो बताना शुरू करती है अपनी स्टोरी के बारे में कि मैं ना रॉयसीज बुटीक पे थी बुटीक वही शॉप है जहां पर फैशनेबल कपड़े मिलते हैं और मैं कपड़ों को देख रही थी विंडो से और इतनी देर में जो मैं ड्रेसेस देख रही थी कुछ सुंदर सुंदर कोई आया मेरे पास और मेरे पीछे खड़ा हो गया तो जैसे ही मैं पीछे की तरफ को मुड़ी तो मैंने देखा कि अरे भाई वो तो डैनी कैसी थे तो उसके भाई ने पूछा अच्छा कैसा दिखाई देता है वो तो वो बोलती है कि ओहो हो उसकी जो आंखें हैं वो ग्रीन कलर की आईज है पर वो इतना लंबा नहीं है जितना लंबा एक्चुअली हमें टीवी पे दिखाई देता है तो जब दोनों भाई बहन बात कर रहे होते हैं इतनी देर में फादर जो है वो रूम में एंटर कर जाते हैं और अब वो काफी क्लीन लग रहे होते हैं शाइनी लग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बात ले लिया होता है वो टीवी चलाते हैं और अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं पर चेयर पे ना ड्रैक के शूज पड़े होते हैं तो वो चेयर से हटा के उसको सोफे पे रख देते हैं और खुद चेयर पे बैठ जाते हैं तो जैसे ही वो चेयर पे बैठते हैं इतनी देर में जियोफ उनको बोलता है कि क्या आपको सोफी ने बताया कि सोफी मिलकर आई है डेनी केसी से तो ये सुन के वो भी एक लुक देते हैं सोफी को अच्छा मिलकर आई हो तो वो उसको ना बड़ा स्कॉन्डफुली ऐसे वड़ेवर ऐसे करके लुक देते हैं बिकॉज वो भी बिलीव नहीं करते कि सोफी जो भी बोल रही है वो सच है पर जी ऑफ क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ मे बी इस बार ये सच बोल रही है तो उनके फादर बोलते हैं कि इनफैक्ट uh, in fact, मैं एक इंसान को जानता था जो एक्चुअली आगे जानते थे टॉम फिने को टॉम फिने ना एक फेमस फुटबॉलर प्लेयर थे उनके फादर के टाइम पे पर ये बहुत देर पहले की बात है और क्योंकि वो एक लेजेंडरी फुटबॉलर थे तो इसीलिए उनका नाम ना बड़ी रिस्पेक्टफुली लिया फादर ने तो जी बोलता है कि अच्छा अच्छा हाँ आपने पहले इसके बारे में बताया है तो अभी वो लोग डिस्कस कर रहे थे फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में तो जो फादर हैं वो बोलते हैं कि मैंने सोचा है कि शायद पॉसिबल है कि केसी एक दिन इतने अच्छे बन जाए जितने की फिने थे मतलब उनके टाइम पे जो फुटबॉलर थे तो इतनी देर में सोफी और जी जो थे कोई रिप्लाई करता है कि केसी एक्चुअली फार बेटर है और वो बहुत टैलेंटेड है बट उनके फादर जो है वो अग्री नहीं करते इस बात पे और वो बोलते हैं कि अभी जो केसी है वो बहुत यंग है और इतनी सारी डाइवर्जन है उसकी यंग एज में फुटबॉलर है बहुत चीजें हैं उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी तो जियोफ जो है वो बिल्कुल अग्री नहीं करते और वो ये बोलते हैं कि इनफैक्ट वो अपनी टीम में बेस्ट है और इनफैक्ट वो बेस्ट प्लेयर भी हैं वो बेस्ट टीम में होने के बावजूद बेस्ट प्लेयर है तो, है है तो तो सोफी बोलती कि केसी ना एक नई शॉप लेने वाले तो जो फादर है, वो बहुत गुस्से में उसको देखते हैं और पूछते हैं कि ये अब तुम्हारे दिमाग में किसने डाल दिया तुम्हें कैसे पता चला क्योंकि वो डाउट करते हैं कि ये फिर से उसकी कुछ इमेजिनेशन है जिसके बारे में वो सोच रही है तो उसका भाई जो है वो इंटरप्ट करते हुए बोलता है अरे ये उससे मिलकर आई है तो जो फादर है वो उसे वॉर्न करते हैं कि ऐसी जो चीजें हैं वो तुम्हें ट्रबल में डाल देंगी बंद कर दो फिर वो जस्टिफाई करने की कोशिश करती है ये बता के कि जो है उसे बहुत अच्छे से पता है वो उसे ट्रस्ट करता है और फादर रिप्लाई करते हैं कि मैं ना ये सब बिलीव नहीं करता ऑल दो वो चाहते थे बिलीव करना लेकिन वो नहीं करते अब के रूम के बारे में और बाकी सब स्टोरी के बारे में आपको पार्ट टू वॉच करना पड़ेगा हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पर आपको अगर ये स्टोरी इतनी समझ में आ गई है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम फिर मिलेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय